Alaikum, peace be unto you. Wa alaikum salam, peace be to you too. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الله رب العزت نے हमको आपको इंसान यानी अशरफुल मखलूकात बनाया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जैसे हमको और आप सबको इस दुनिया में भेजा है इसी तरह से एक दिन ऐसा आएगा कि हम सब के सब इस दुनिया से चले जाएंगे। आए दिन हम और आप जाने वालों की नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं, अपने हाथ से कफन दे रहे हैं, गुसल दे रहे हैं और दफन भी कर रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि हम और आप भी इस दुनिया से चले जाएंगे। हमारा और आपका ये अकीदा है कि ये दुनिया हमारे और आपके लिए आखिरी मंजिल नहीं है, बल्कि मरने के बाद एक और दुनिया है जिसको आखिरत कहा जाता है। और इस दुनिया में हम और आप जिस तरह अमल करते हैं करेंगे उसी के हिसाब से हमारे और आपके लिए जन्नत और जहन्नम का अल्लाह के यहाँ फैसला होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम ईमान वालों को जहन्नम की आग से अजाब से महफूज फरमाए और सबको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस नसीब करे। हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो ऐसा अमल करे कि जिस अमल के करने से अल्लाह ताला खुश होता हो और मरने के बाद अल्लाह ताला के यहाँ उसको बेहतरीन ठिकाना यानी जन्नत नसीब हो जाए। जन्नत में ले जाने वाले बहुत सारे आमाल हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में बयान फरमाया है, उलमाए किराम ने बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने उसको तफसील के साथ लिखा भी है। उन्हीं आमाल में से एक छोटा सा अमल जिसको करने वाला जन्नत में जाएगा और जिसके करने वाले को अल्लाह अपने फजलो करम से जन्नत में जगह अता फरमाएगा, एक छोटा सा अमल मैं आप लोगों को बतलाना चाह रहा हूँ जो हम और आप करते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि आज से 5 साल 10 साल 20 साल पहले इस अमल पर हमारी और आपकी जितनी तवज्जो थी
अल्लाह न करे आहिस्ते आहिस्ते मुतवज्जो ऐसा लगता है कि अब कम हो रही है। वो अमल क्या है? हदीस में आया अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तदखुलून अल्जन्ना के ए मुसलमानों तुम लोग जन्नत में नहीं जा सकोगे हत्ता तुमिनू यहाँ तक के तुम ईमान लाओ। ईमान लाना ये जन्नत में जाने के लिए शर्त है। अगर किसी के दिल में ईमान नहीं है चाहे वो कितना बड़ा दयालु इंसान हो बहुत ज़्यादा अपना माल खर्च करता हो गरीबों की मदद करता हो बीमारों का इलाज करता हो लेकिन अगर वो ईमान उसके दिल में नहीं है तो वो जन्नत में नहीं जा सकता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वला तुमिनू हत्ता तहाबबतु के ऐ मुसलमानों वला तुमिनू हत्ता तहाबू ऐ मुसलमानों तुम्हारा ईमान कंप्लीट नहीं हो सकता तुम मुकम्मल ईमान वाले नहीं हो सकते यहाँ तक के आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करो। हर आदमी दूसरे से मोहब्बत करे बाप अपनी औलाद से औलाद अपने माँ बाप से भाई अपने बहन से चचा अपने भतीजा से एक मुसल्ली दूसरे मुसल्ली से मुक्तदी इमाम से इमाम मुक्तदी से उस्ताद अपने शागिर्द से और शागिर्द अपने उस्ताद से यानी हर मुसलमान आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला हो अच्छा संपर्क और अच्छा ताल्लुक अच्छी रिश्तेदारी रखने वाला हो। ये नहीं कि छोटी छोटी बात में आपस में लड़ाई कर लिया झगड़ा कर लिया दुश्मनी पैदा कर ली नफरत दिलों में पैदा कर लिया। इस तरह से जो आदमी होता है बात बात में लड़ाई करने वाला नफरत पैदा करने वाला वो कम्प्लीट और मुकम्मल ईमान वाला नहीं हो सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुमको मुकम्मल ईमान वाला बनना है अपने ईमान को अगर कम्प्लीट तुम करना चाहते हो तो तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करो एक दूसरे से प्यार करो एक दूसरे से दोस्ती करो। फिर आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इदा फअलतुमूहु तहाबबतुम ऐ मुसलमानों अगर तुम लोग आपस में एक दूसरे से मोहब्बत पैदा करना चाहते हो तो मैं तुमको एक बात बतलाता हूँ एक तरीका तुमको दिखलाता हूँ एक सिस्टम तुम्हारे सामने पेश करता हूँ अगर तुम उस रास्ते पर उस तरीके पर चलोगे तो तुम्हारे दरमियान मोहब्बत बढ़ेगी एक दूसरे के साथ प्यार होगा प्रेम होगा मोहब्बत होगी दोस्ती होगी दुश्मनी नफरत कीना बुग्ज़ हसद ये सब के सब खत्म हो जाएंगे। बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखीर में फरमाया अफसुस सलाम बैनकुम आपस में एक दूसरे को सलाम करो एक दूसरे को सलाम करो सलाम करोगे मोहब्बत पैदा होगी मोहब्बत पैदा होगी ईमान कंप्लीट होगा और जिसका ईमान कंप्लीट होगा वो अल्लाह के यहाँ जन्नती है उसको अल्लाह के यहाँ जन्नत मिलेगी। तो जन्नत में ले जाने वाले बहुत सारे आमाल में से एक छोटा सा अमल ये है कि हम एक दूसरे को सलाम करें। मेरे कहने का मतलब यकीनन ये नहीं है कि हम एक दूसरे को सलाम नहीं करते करते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि सलाम का रिवाज पहले जितना था आजते आजते हमारा जो न्यू जनरेशन आ रहा है नई पीढ़ी के जो बच्चे आ रहे हैं नौजवान आ रहे हैं उनके अंदर अब सलाम का रिवाज ऐसा लगता है कि कुछ कम होता जा रहा है। मेरे भाइयों और नौजवान साथियों एक दूसरे से अगर सलाम करते हैं तो यही सलाम हमारे और आपके ईमान
हमारी और आपकी मोहब्बत का जरिया बनेगा, और जब हमारी और आपकी मोहब्बत होगी, आपस में मोहब्बत करने वाले होंगे, तो ईमान मुकम्मल होगा। ईमान मुकम्मल होगा तो यही सलाम हमको और आपको जन्नत में लेकर जाएगा। दुनिया में जितनी कौम है, हर कौम के अंदर जब आपस में एक दूसरे से मुलाकात होती है तो हेलो हाय का अलग अलग तरीका होता है, सलाम करने का अलग अलग तरीका होता है। हमारे इस देश के जो हिंदू भाई हैं, आपस में मिलते हैं तो कोई प्रणाम, कोई आदाब, कोई नमस्ते, कोई नमस्कार, इस तरह से मुख्तलिफ अल्फाज और शब्द इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग वगैरह वगैरह लफ्ज यूज होता है। इसी तरीके से अरब में जब इस्लाम नहीं आया था तो वो लोग अनअमल्लाहु सबाहका, अल्लाह तुम्हारी सुबह को अच्छा करे, अल्लाह तुम्हारी शाम को अच्छा करे, इस तरह से अल्फाज और इस तरह के जुमले सेंटेंस वो लोग इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब इस्लाम आया, हमारा और आपका ये दीन, ये मजहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में लेकर आए, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी उम्मत को, दुनिया के तमाम लोगों को सिखलाया। उन्हीं में से एक सलाम का तरीका भी सिखलाया। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक शख्स आया, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, मैं आपको ये बात पहले बता दूं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम वालेहि सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने पैदा किया तो अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ आदम, देखो वहां पर फरिश्तों की जमात है, तुम जाओ और जाकर फरिश्तों को सलाम करो। चुनांचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तों के पास गए और जाकर अस्सलामु अलैकुम कहा। फरिश्तों ने उनके जवाब में वअलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह कहा। तो ये सलाम आज से नहीं, 1400 साल से नहीं, बल्कि हजरत आदम अला नबी गिना वाले सलाम के ज़माने से, जब उनको जन्नत में पैदा किया था, वहीं से सलाम का ये तरीक़ा चला आ रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक, आपके बताए हुए रास्ते और तरीके के मुताबिक सलाम करना सुन्नत है, लेकिन हम और आप जानते हैं कि सलाम का जवाब देना वाजिब है। कभी हम सलाम करते नहीं, और अगर सलाम किसी ने कर लिया तो बढ़िया से जवाब देते नहीं। अगर सलाम करते हैं जाने को इस तरह से कोई भी लफ्ज कर दिया नहीं, बल्कि सलाम को जैसे हमारा हर काम सिस्टम के मुताबिक होता है, इसी तरह से सलाम का एक तरीका है, ये अरबी का लफ्ज है, अस्सलामु अलैकुम कहना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम कहो, उसके जवाब में जवाब देने वाला वअलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह कहे। एक हदीस में जो बतला रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया और उन्होंने आकर कहा अस्सलामु अलैकुम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वअलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह, दस इस तरह से कहा। फिर दूसरे सहाबी आए, उन्होंने आकर कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया वअलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, व बरकातुहू बढ़ाया। फिर फरमाया 20। फिर तीसरे सहाबी आए और उन्होंने आकर कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया वअलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, 30। इसका मतलब ये था कि अगर सिर्फ अस्सलामु अलैकुम कहोगे तो 10 ने की, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहोगे तो 20 ने की, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, अगर तीनों लफ्ज इस्तेमाल करोगे तो तुमको 30 ने की मिल जाएगी। हम और आप एक दूसरे को सलाम करते हैं, इसीलिए तो सलाम करते हैं कि मोहब्बत बढ़े, हमको और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेकी मिले। जब सलाम करें तो अस्सलामु अलैकुम ही क्यों कहें, बल्कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। एक सुन्नत पे
एक सुन्नत पे अगर वाकईतन हम और आप दिल से अमल करेंगे और ये सोचकर ये समझकर अमल करेंगे कि ये हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका है, एक सुन्नत पर अमल करने वाला कभी कभी एक सुन्नत की वजह से वो जन्नत का मुस्तहिक हो जाता है। किताबों में लिखा है, मशहूर वाकया है, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह हदीस की किताब जिनकी मदरसों में पढ़ाई जाती है, उलमा पढ़ते हैं, आप हजरात ने भी कुछ हदीस उनसे ये फजाइल आमाल मुंतखब अहादीस में उस किताब की हदीस मौजूद है। एक मसला है, मसला यह है कि अगर कोई आदमी किसी को छींक आए तो छींक, छींक को क्या कहते हैं, हंसी, हाँ, छींक आए तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, छींक आने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा, सामने में जो है वो यरहमुकल्ला कहेगा, और जब वो जवाब में यरहमुकल्ला कह दे तो फिर जिसको छींक आई थी वो यहदीकुमुल्लाह कहेगा। ये एक मसला है। अब ऐसा हुआ कि इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह समंदर में, दरिया में, नदी में एक कश्ती से जा रहे थे, उनको छींक आई, बगल में एक कश्ती उधर से आ रही थी, तो उस छींक आई इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह को, इन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। वो सामने वाली कश्ती पर एक शख्स था, उन्होंने कहा यरहमकल्लाह, अल्लाह पर रहम फरमाए। अब इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह की कश्ती आगे जा चुकी थी, वो अगर जोर से जवाब देते यहदीकुमुल्लाह कहते तो वो आदमी नहीं सुनता। तो इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह दरिया के किनारे जब चले गए तो उन्होंने एक दिरहम में, उस जमाने का एक रुपया में एक कश्ती किराए पर लिया, और वो कश्ती से फिर उस आदमी के पास गए और वहां जाकर उन्होंने जवाब दिया यहदीकुमुल्लाह। रात में ख्वाब देखा, कहने वाला ये कह रहा था ऐ अबू दाऊद, अल्लाह ताला को तुम्हारा ये अमल इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जन्नत को वाजिब कर दिया। तो एक एक सुन्नत पे अगर वाकईतन हम सुन्नत समझकर अमल करेंगे तो वही सुन्नत वाला अमल हमको और आपको जहन्नम से नजात दिलाकर जन्नत में पहुंचाने वाला हो जाता है। तो उन्हीं सुन्नतों में से एक सुन्नत और उन्हीं आमाल में से एक इंतहाई आसान और मुख्तसर अमल सलाम है। हम एक दूसरे को सलाम करें। हदीस में आया कि सबसे अच्छा अमल यह है कि तुम भूखे आदमी को खाना खिलाओ, जिसको खाना नसीब नहीं हो रहा है, बेचारा भूख से परेशान है, उसको तुम खाना खिलाओ और तुम एक दूसरे को सलाम करो, चाहे तुम उसको जानते हो, उसके साथ तुम्हारी पहचान है या नहीं है, लेकिन आपस में एक दूसरे को सलाम करो। एक बंदा जब दूसरे को सलाम करता है तो कितना सारा फायदा होता है। अस्सलाम अलैकुम जब कहता है तो गोया के वो सामने वाले से ये कहता है कि तुम पर अल्लाह की जानिब से सलामती हो, यानी अल्लाह तुमको हर तरह की आफत विफत मुसीबत से अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। वो बंदा ये भी कहता है कि देखो मैं तुम्हारी जान की हिफाजत करूंगा, मैं तुम्हारी जान को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हारे माल को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और तुम्हारी इज्जत को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अस्सलामु अलैकुम, छोटा सा जुमला, और गोया के सलाम करने वाला तीन चीजों का वादा करता है। जब एक आदमी सलाम करता है, सलाम ये अल्लाह का नाम है, अल्लाह का नाम भी ले लिया, अस्सलामु अलैकुम कहा, एक जिक्र हो गया, और बहुत सारे जो आमाल जिनका फायदा हमको मिलता है उनमें से एक छोटा अमल जिसका फायदा हर वक्त मिल सकता है वो है अल्लाह का जिक्र।
अस्सलामु अलैकुम कहा, ये भी अल्लाह का जिक्र है, जिक्र का भी सवाब मिल गया। अस्सलामु अलैकुम कहा, आपने उसको दुआ दे दी, दुआ देने का भी सवाब मिल गया। अस्सलामु अलैकुम कहा, आपने उसके साथ ये वादा कर दिया कि मैं तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला उनके बारे में आता है कि एक सहाबी थे हजरत तुफैल रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत तुफैल रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बाजार जाते थे, बाजार का कोई काम नहीं फिर भी बाजार जाते थे और हमको साथ लेकर जाते थे, जो मिलता था सलाम करते थे। एक दिन हजरत तुफैल कहते हैं कि मैंने पूछा कि आपका बाजार में मार्केट में तो कोई काम नहीं, अब क्यों जाते हैं बाजार? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैं बाजार इसलिए जाता हूँ कि वहाँ ज्यादा लोगों से मुलाकात होती है, जान पहचान वाले से भी मुलाकात और जिससे जान पहचान नहीं है उससे भी मुलाकात होती है, मैं सलाम करता हूँ और जो आदमी सलाम करता है आपस में मोहब्बत बढ़ती है, जब मोहब्बत बढ़ती है तो ईमान कम्प्लीट होता है और जिसका ईमान कम्प्लीट होता है वो आदमी यकीनन जन्नत जाएगा। इसलिए आपस में मेरे भाइयों सलाम का रिवाज, ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को सलाम करने की हमारी और आपकी कोशिश होनी चाहिए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वाह।